नमस्कार, मातृभारती पे आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है फूलों की साजिश। बाग में जितने फूल थे सबके सब बागी हो गए। गुलाब के सीने में बगावत की आग भड़क रही थी, उसकी एक एक रग आती सी जज्बा के तहत फड़क रही थी। एक रोज उसने अपनी कांटों भरी गर्दन उठाई और गौरव फिक्र को बालाए ताक रखकर अपने साथियों से मुखताब हुआ। किसी को कोई हक हासिल नहीं कि हमारे पसीने से अपने ऐश का सामान मुहैया करे। हमारी जिंदगी की बहारें हमारे लिए है और हम इसमें किसी की शिरकत गवारा नहीं कर सकते। गुलाब का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था, उसकी पुंखड़िया थरथरा रही थी। चंबली की झाड़ी में तमाम कलियां ये शोर सुनकर जाग उठी और हैरत में एक दूसरे का मुंह तकने लगी। गुलाब की मर्दाना आवाज फिर बुलंद हुई, हर जी रूह को अपने हुकूक की निगरानी का हक हासिल है और हम फूल इससे मुस्तना नहीं है। हमारे कुलूब ज्यादा नाजुक और हसास है। गर्म हवा का एक झोंका हमारी दुनियाए रंगो बू को जलाकर खाकिस्तर कर सकता है और शबनम का एक बेमानी कतरा हमारी प्यास बुझा सकता है। क्या हम इस काने माली के खुरदरे हाथों को बर्दाश्त कर सकते हैं जिस पर मौसमों के तगय्यूर और तबद्दुल का कुछ असर ही नहीं होता? मोतिया के फूल चिल्लाए, हरगिज नहीं। लाला की आंखों में खून उतर आया और कहने लगा, इसके जुल्म से मेरा सीना दागदार हो रहा है। मैं पहला फूल हूंगा जो इस जल्लाद के खिलाफ बगावत का सुर्ख झंडा बुलंद करेगा। ये कहकर वह गुस्से से थर थर कांपने लगा। चंबेले की कलियां मुतहयर थी कि यह शोर क्यों बुलंद हो रहा है। एक कली नास के साथ गुलाब के पौधे की तरफ झुकी और कहने लगी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। आखिर गला फुला फुला कर क्यों चिल्ला रहे हो? गिले खैरा जो दूर खड़ा गुलाब की कायदाना तकरीर पर गौर कर रहा था बोला, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। गौ हम नातवा फूल है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी जान के दुश्मन को पीस कर ना रख दें। हमारी पत्तियां अगर खुशबू पैदा कर सकती है तो जहरीली गैस भी तैयार कर सकती है। भाइयों, गुलाब का साथ दो और अपनी फतह समझो। ये कहकर उसने उखुवत के जज्बे के साथ हर फूल की तरफ देखा। गुलाब कुछ कहने ही वाला था कि चंबेले की कली ने अपने मरमरी जिस्म पर एक थरथरी पैदा करते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। आओ तुम मुझे शेर सुनाओ, मैं आज तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूं। तुम शायर हो मेरे प्यारे, आओ हम बहार के इन खुशगवार दिनों को ऐसी फुजुल बातों में जाए ना करें और इस दुनिया में जाए जहां नींद ही नींद है, मीठी और राहत बख्श नींद। गुलाब के सीने में एक हैजान बरपा हो गया, उसके नब्ज की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी अथाह गहराई में उतर रहा है। उसने कली की गुफ्तगू के असर को दूर करने की सही करते हुए कहा, नहीं, मैं मैदान जंग में उतरने की कसम खा चुका हूं। अब ये तमाम रुमान मेरे लिए मुहमल है। कली ने अपने लचकीले जिस्म को बल देकर ख्वाब गूं लहजा में कहा, आह मेरे प्यारे गुलाब, ऐसी बातें ना करो, मुझे दहशत होती है। चांदनी रातों का ख्याल करो जब मैं अपना लिबास उतार कर इस नूरानी फव्वारे के नीचे नहाऊंगी तो तुम्हारे गालों पर सुर्खी का उतार चढ़ाओ मुझे कितना प्यारा मालूम होगा। और तुम मेरे सीने लब किसी तरह दीवाना वार चुमोगे। छोड़ो इन फिजूल बातों को, मैं तुम्हारे कांधे पर सर रखकर सोना चाहती हूं। और चंबेली की नाजुक अदा कली गुलाब के थर्राते हुए गाल के साथ लगकर सो गई। गुलाब मदहोश हो गया। चारों तरफ से एक अरसा तक दूसरे फूलों की सदाएं बुलंद होती रही।
मगर गुलाब न जागा। सारी रात वो मखमूर रहा। सुबह काना माली आया। इसने गुलाब के फूल की टहनी के साथ चमेली की कली चमटी हुई पाई। उसने अपना खुरदरा हाथ बढ़ाया और दोनों को तोड़ लिया।